Hey guys, welcome back to another video. तो guys, आज की जो हमारी वीडियो है वो एक प्रोडक्ट रिव्यू है. और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है guys, Exolt ब्रांड का प्रायोरिटी वे, एक वे प्रोटीन. ये प्रोडक्ट guys, रोली विंकलर द्वारा लॉन्च किया गया, उन्हीं का प्रोडक्ट है, जो कि काफी अच्छे बॉडी बिल्डर, आपने नाम जरूर सुना होगा, ठीक है, उनका प्रोडक्ट है और इसको आज हम रिव्यू करेंगे. तो वीडियो को शुरू करते हैं. Exolt का प्रायोरिटी वे एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, इम्पोर्टेड वे प्रोटीन है, इंडियन नहीं है, ठीक है. तो इसके हम लेबल की बात कर लेते हैं, ऑल ओवर बॉक्स की बात कर लेते हैं, क्या लिखा है इस पे. प्राइमरी सोर्स वे प्रोटीन आइसोलेट. तो गाइस, जो ये है प्रायोरिटी वे प्रोटीन, ये आइसोलेट प्रोटीन नहीं है, लेकिन इसका प्राइमरी सोर्स जो है वो वे प्रोटीन आइसोलेट है, यानी 70% आइसोलेट प्रोटीन इसमें डाला गया है, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है. दूसरा गाइस, 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है आपको एक स्कूप में, 5.5 ग्राम BCAAs विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स. मतलब डाइजेशन में अगर किसी को इशू है तो ये प्रोटीन के साथ वैसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले गए जो कि आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करेंगे. कुछ लोग बोलते हैं कि इसका कोई काम नहीं होता डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, प्रोटीन डाइजेस्ट करा ही लेता है हमारा जो सिस्टम होता है. लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूं, मेरे को तो जिन प्रोडक्ट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं डाइजेस्ट कराने में प्रोटीन, तो पता नहीं भाई. तो फ्लेवर मेरे पास गाइस चॉकलेट है, बैंड सब्सटेंस फ्री इस पे लिखा हुआ है, जीरो एडिड शुगर, GMP सर्टिफाइड. यहाँ पर गाइज आप ऑथेंटिकेट भी कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को, स्कैनर दे रखा है, QR कोड, एक गाइज इनके इंपोर्टर की वो भी दे रखी है, स्लिप दे रखी है, वहाँ पर जाकर भी आप स्कैन करके मैंने इसको वेरीफाई कर सकते हो. ये तो गाइज हो गया ऑल ओवर बॉक्स. अब इसके लेबल की बात कर लेते हैं, जो कि मेन चीज है. सर्विंग साइज 1 हीप्ड स्कूप 30 ग्राम, हीपिंग स्कूप है, मतलब ऊपर तक पूरा भर के लेना है एक स्कूप जब आप इसको लोगे. और गाइज 80 सर्विंग पर कंटेनर मिलते हैं, सबसे अच्छी बात गाइज इसकी यही है प्रोडक्ट की, 80 सर्विंग मुझे नहीं लगता किसी भी 2 kg के प्रोडक्ट में एक बॉक्स में आपको मिलती है 80 सर्विंग गाइज. मतलब आप एक स्कूप लोगे तो 80 दिन चलेगा, अगर 2 स्कूप लोगे तो 40 दिन चलेगा, एक महीने से भी ऊपर. तो इसलिए मैंने इसको चूज करा, मेरे को हमेशा से प्रोटीन वो चाहिए होता है जिसकी ज़्यादा सर्विंग्स हो, ठीक है, लंबा चले. अब गाइस बात कर लेते हैं, प्रोटीन आपको एक स्कूप में 24 ग्राम मिल जाता है, जैसे कि पहले बताया, कार्बोहाइड्रेट 1.8, शुगर 0 और फैट आपको 0.5 मिलता है. तो काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है गाइस इसकी, और एक वे प्रोटीन से आपको क्या चाहिए, सब कुछ बढ़िया, डाइजेस्टिव एंजाइम भी डाले गए हैं. और अगर मैं इनके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो सबसे पहले वे प्रोटीन आइसोलेट है, आइसोलेट प्राइमरी सोर्स है, उसके बाद वे प्रोटीन कंसनट्रेट, उसके बाद कोकोआ पाउडर चॉकलेट के लिए, और कुछ स्टेबलाइजर है इसमें, ठीक है, इसको मिक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए. तो ये है गाइस प्रोडक्ट Exolt का वे प्रोटीन. इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 4500 से 5000 की रेंज में अंदर मिल जाएगा, ठीक है, इंडिया में इस वक्त, और जो कि काफ़ी सही है. आजकल प्रोटीन के रेट इतने बढ़े हुए हैं, आपको 80 सर्विंग का एक प्रोडक्ट में मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत सही प्रोडक्ट है. मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, तो रिकवरी के मामले में, हर चीज़ के मामले में बहुत अच्छा है. बाकी अभी आपको इसका मैं टेस्ट और मिक्सिबिलिटी दिखा देता हूँ. इसका जैसे स्कूप जो है मैकेनिज्म ऐसे दिया ऊपर ही, जैसे मसल बेस वालों ने एक बार करा था स्कूप ऑन द टॉप, लेकिन इसका मैकेनिज्म काफ़ी ईजी है, ऐसे आपको स्कूप निकाल के मिल जाएगा. अगर आप ये प्रोटीन को देख पा रहे हो, इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है, दाने दाने प्रॉपर दिख रहे हैं, जैसा कि वे प्रोटीन में होने चाहिए. असली वे प्रोटीन की पहचान नहीं होती है, थोड़ा दानेदार होता है वो, पूरा ऐसा वो नहीं होता कि पाउडर सा, ठीक है, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही लाइट टेक्स्चर है. तो इसको मिक्स करके देख लेते हैं कैसा लगता है. डब्बा खोलते ही इतनी प्यारी हेजलनट और चॉकलेट की स्मेल आती है, मतलब पता लग रहा है हाँ, एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, इंडियन में तो ऐसे नहीं आती. तो गाइस मिक्स कर लिया इसको, एक ग्लास में डाल लेते हैं इसकी मिक्सिबिलिटी देखने के लिए. तो गाइस जैसा कि आपने देखा, मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा शेक, बस 3 या 4 बार मिक्स करा होगा, इतने से में इतनी अच्छी मिक्सिबिलिटी है इसकी, झाग तो बिल्कुल नहीं बनी, बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर बनी है, वो इतना चलता है. तो मिक्सिबिलिटी के मामले में एक नंबर है. मैं आपको पास से दिखाता हूँ इसका टेक्स्चर, ये देखो गाइस एकदम लेम फ्री शेक मरा है, कोई गांठे नहीं, कोई कुछ नहीं. गाइस बहुत ही बेहतरीन चॉकलेट फ्लेवर की, चॉकलेट जैसी टेस्ट है इसका, ठीक है, थोड़ा सा मीठा मुझे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उस पर लिखा एडिड शुगर 0 है, तो हो सकता है चॉकलेट के कारण लग रहा हो. बाकी टेस्ट और मिक्सिबिलिटी में भी एक नंबर है.
तो यही था गाइस एक्सोल्ट का वे प्रोटीन का रिव्यू। इंपोर्टेड ब्रांड है, 24 ग्राम एक स्कूप में प्रोटीन मिल रहा है, 80 सर्विंग्स है और ज़्यादा सर्विंग्स है। और इसका गाइस मैंने मसल बेस की जो किट है उस पर भी टेस्ट करके देखा है, उस पर भी पूरा आ रहा है प्रॉपर कि हाँ जितना प्रोटीन लिखा है उतना ही है। किसी कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया इसलिए डाल नहीं पा रहा हूँ, अगर होगी तो मैं इसमें डाल दूंगा देख लेना। तो ये सारे इतने सारे रीजन है इसको लेने के, तो क्यों नहीं लेना, लो और सस्ता है भी मार्केट में, हो सकता है भी नया ब्रांड है इसलिए सस्ता आगे चल के महंगा हो जाए, तो जब तक सस्ता है ले लो, खरीद लो फटाफट, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।